एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं रिवीजन, जिनका भी स्पेशली सीएचओ का एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ओनली सीएचओ के लिए, बस है आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर एट प्रेजेंट अभी आपका अपकमिंग यूपी सीएचओ पेपर है, आज आई थिंक पंजाब में सीएचओ का पेपर है, और कल है जो छत्तीसगढ़ में सीएचओ का पेपर है। तो सभी सीएचओ एग्ज़ाम के अलावा ये पेपर आपके लिए, जितने भी एग्ज़ाम्स आप देने वाले हैं सब में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो क्लास में एंड तक जरूर जुड़े रहें, और जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। एक और चीज़, जो भी लोग यूपी के पेपर्स लेना चाहते हैं, नॉर्सेट पेपर्स लेना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ऑफिशियल ऐप पर भी सभी पेपर्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से भी आप पेपर्स को ले सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन क्लाइंट स्टेटेड दैट ही इज़ नॉट रिमेम्बरिंग दैट ही वॉज गेटिंग द मेडिकेशन बिफोर अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन शुड बी। तो यहाँ पर एक पेशेंट को आपको मेडिकेशन देना है, टाइम हो गया उसके मेडिकेशन का, तो क्या कह रहा है कि उसको याद नहीं है कि उसको पहले मेडिसिन दी गई या नहीं। तो एज अ नर्स आप मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के पहले क्या करेंगे, एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, रिकॉर्ड क्लाइंट्स स्टेटमेंट, वेरीफाई द मेडिकेशन ऑर्डर अगेन, या फिर इन्फॉर्म द डॉक्टर। तो यहाँ पर आपको जो राइट ड्रग राइट डोज राइट रूट वाला क्वेश्चन आपको जो बनता है वो यहाँ पर है कि क्लाइंट कह रहा है उसको याद नहीं मेडिकेशन दी गई या नहीं, तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, जाके फिर से मेडिकेशन लगा देंगे क्या, कि क्लाइंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, मेडिकेशन ऑर्डर को फिर से चेक करेंगे, या फिर इन्फॉर्म द डॉक्टर, कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आपको सीधा मेडिकेशन ऑर्डर फिर से चेक करना है कि मेडिकेशन दी गई है या नहीं, क्योंकि पेशेंट को याद नहीं है कि उसको मेडिकेशन दे दी गई है या फिर नहीं दी गई है। तो ऐसे केस में ना तो आपको जाके तुरंत पेशेंट की बात भी नहीं मानना है, वो कह रहा है उसको याद ही नहीं है दी गई कि नहीं दी गई, तो ऐसे केस में आप जाके तुरंत मेडिकेशन भी एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। पेशेंट की बात आपको सुननी है, लेकिन आपको फिर से रीवेरीफाई करना है, रीचेक करना है कि आपने मेडिकेशन पहले तो पेशेंट को नहीं दे दी है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो आपके लिए फाइव ड्रग के जो रूट डोज टाइमिंग और साइट, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, आपके एग्ज़ाम में चीज़ें हमेशा आती हैं, कोई ना कोई एक क्वेश्चन इस तरीके से आपको आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अ नर्स आस्क अ 13-year-old फीमेल टू बेंड फॉरवर्ड एट द बेस्ट विथ आर्म्स हैंगिंग फ्रीली, विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टमेंट इज द नर्स मोस्ट लाइकली कंडक्टिंग। तो एक नर्स है 13 साल की, ओल्ड फीमेल क्लाइंट से कह रही है कि वो बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक जाए, हाथों को फ्रीली रखे। तो किस टाइप का असेसमेंट है जो नर्स कर रही है, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी, कंजनाइटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप, स्कोलियोसिस, या फिर अनइक्वल लेग लेंथ। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप कौन सा है जो चीज़ चेक कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि आपको बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुकना है अपनी कमर के बल, हाथों को फ्रीली है जो रखना है, हैंगिंग फ्रीली मतलब लटकते रहने देना है। तो आप यहाँ पर क्या कौन सा असेसमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप कौन सा असेसमेंट कर रहे हैं, स्कोलियोसिस, क्या है एग्जामिनेशन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं स्कोलियोसिस का। स्कोलियोसिस में आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है कैसी हो जाएगी, हो जाएगी स्पायरल शेप में, कैसी स्पायरल शेप में, देखिए यहाँ पर एबनॉर्मल जो कर्व है स्पाइन का, ये क्या रहेगा, एबनॉर्मल, जिसको हम स्पायरल शेप कर स्पाइन भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, जब एबनॉर्मल होगी तो आपको बेंड करने के लिए कहा गया है कि आपको आगे की तरफ झुकना है, वो भी अपनी कमर के बल, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, पेन होगा और आप प्रॉपर तरीके से झुक भी नहीं पाएंगे। तो किसका असेसमेंट है, ये स्कोलियोसिस का। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द प्रॉब्लम विथ, तो कलर ब्लाइंडनेस किसके कारण होगी, लेंस में प्रॉब्लम के कारण, कॉर्न्स में प्रॉब्लम के कारण, एक्वस ह्यूमर में प्रॉब्लम के कारण, या फिर रॉड्स के कारण, जो सेल्स हैं कॉर्न्स रॉड्स, तो इनके कारण, किसके कारण आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होगी। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है आप कलर पहचान नहीं पाएंगे, सभी कलर आपको सेम उसमें दिखेंगे, तो ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, और ये होगी किस में प्रॉब्लम के कारण, कॉर्न्स में प्रॉब्लम के कारण।
जनरली ये किसी किसी को इनहेरिटेड होती है, मतलब जन्मजात जिसको हम कह सकते हैं, इनहेरिटेड प्रॉब्लम है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें एक वन और मोर ऑफ द थ्री सेट्स ऑफ द आईज कॉर्न सेल्स विच जो सेंस ऑर्गन है क्या होगा, एक या फिर एक से ज़्यादा या फिर जो कॉर्न सेल्स हैं इसके क्या होंगे, थ्री पेयर्स में या फिर सेट्स में आएंगे, तो क्या करेगा आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिससे आपको जो कलर हैं सभी सेम कलर में दिखेंगे। यहाँ पर ये देखिए, अब आपको दो चार्ट दिख रहे हैं, एग्ज़ाम में आते हैं आपको, जो यहाँ पर ये दिख रहा है फर्स्ट में, ये कौन सा चार्ट है, सियारा चार्ट, कलर ब्लाइंडनेस के लिए यूज़ किया जाता है। एक दूसरा होता है जिसमें गिनती लिखी हुई होती है, ए बी सी डी लिखे होंगे, गिनती लिखी होगी, बोर्ड टाइप से रहेगा, वो कहलाता है स्नेलन चार्ट, वो विजुअल एक्विटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम में चार्ट आई थिंक एम्स में आया है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो क्या ये सियारा चार्ट और ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए यूज़ किया जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो सेल्स, जिन सेल्स में प्रॉब्लम होती है वो कौन सी हुए, कॉर्न्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब बेबी बॉर्न एट पीएचसी फॉर इज फर्स्ट इम्यूनाइजेशन विच वैक्सीनेशन इज गिवन, यदि कोई बेबी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बॉर्न हुआ है, डिलीवर हुआ है, तो उसके लिए पहले कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, ओपीवी, डीपीटी, एमएमआर या फिर टिटनेस। तो जो बेबी पीएससी में हुआ हो, सीएससी में हुआ हो या फिर सब सेंटर में हुआ हो, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ थ्री वैक्सीन दी जाती हैं, ओपीवी, बीसीजी एंड हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएंगे वो क्या होगा, ओपीवी। ओपीवी आपको यदि एग्ज़ाम में पूछते हैं तो ओपीवी वैक्सीन है, जो क्या है, ओपीवी वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, तीन दी जाती हैं, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी। अब यहाँ पर आप देखिए जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, कि जो एट द टाइम ऑफ बर्थ वैक्सीन दी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, ओपीवी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी। डोज होता है बीसीजी वैक्सीन का, जो टीबी से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ दे दी, एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके वन मंथ की एज तक यदि बीसीजी दे दी, जब तो 0.05 ml देना है, लेकिन यदि बीसीजी वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं दी गई, वन मंथ तक नहीं दी गई, तो आफ्टर 4 week ऑफ बर्थ, मतलब जन्म के 4 हफ्ते के बाद से बीसीजी का डोज होगा 0.1 ml। रूट सेम होगा, इंट्राडर्मल लेफ्ट अपर आर्म में, साइट सेम होगी, रूट सेम होगा, लेकिन डोज है जो चेंज हो जाएगा, वो आफ्टर 1 year ऑफ एज बीसीजी वैक्सीन नहीं दी जाती है, आपको ये भी याद रखना है। टीटी के लिए आपको एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर टीटी का जो डोज दिया जाता है, एक तो अर्ली प्रेगनेंसी दिया जाता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में, और सेकेंड दिया जाता है 4 week का गैप दे के, सेम डोज सेम रूट। फिर टीटी का बूस्टर डोज कब दिया जाता है, जनरली एग्ज़ाम में आता है, यदि टीटी का आपने बूस्टर डोज दिया जाएगा, यदि लास्ट तीन साल में आपको 2 डोज लग चुके हैं टीटी के, तो आपको टीटी का बूस्टर डोज है जो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इफ़ अ फर्स्ट डोज ऑफ एमएमआर वैक्सीन इज गिवन फॉर बेबी एट 10 month ऑफ एज, देन इंटरवल फॉर सेकेंड डोज इज, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एमएमआर वैक्सीन के लिए कहा है, क्योंकि बाकी सब वैक्सीन में 4 weeks का गैप हम दे सकते हैं, लेकिन एमएमआर के लिए डिफरेंट होता है। यदि एमएमआर वैक्सीन का पहला डोज बेबी को 10 महीने की एज में दे दिया है, तो दूसरा डोज जब हम देंगे तो उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए, ऑप्शन में 4 weeks, 8 weeks, 12 weeks या फिर 9 month। तो कितना है जो यहाँ पर बीच में गैप होना चाहिए एमएमआर वैक्सीन में, तो होता है 12 weeks का, कितना, 12 weeks का, या तो 3 महीने कह सकते हैं, यदि पहला 10 महीने की एज में दिया, दूसरा 15 महीने में दिया जाएगा, और तीसरा जो बूस्टर होगा वो होगा 18 महीने में दिया जाएगा। तो इस तरीके से एमएमआर का यदि फर्स्ट डोज हमने 10 महीने में दिया, आफ्टर 9 month कंप्लीट होने के बाद ही दिया जाता है, तो 10 महीने में यदि दिया हमने फर्स्ट, तो दूसरा देंगे हम 12 week या फिर 3 महीने के बाद। एमएमआर किस रूट से दिया जाता है, तो आपको ये पूरा चार्ट है जो टिप ऑफ टंग याद करके रखना है, कि एमएमआर के लिए कौन सा रूट अपनाया जाता है, सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, लंबर पंचर इज डन इन बिटवीन विच वर्टिब्रा, तो लंबर पंचर है जो किस वर्टिब्रा में किया जाता है, L4 to L5,
L2 टू L3, L1 टू L2 या फिर C2 टू C3। लंबर पंचर किया जाता है, लंबर पंचर या फिर स्पाइनल टेप हम जिसको कहते हैं, इसकी पोजीशन एग्जाम में आपको आती है, तो एक इसके लिए किया जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड को बाहर निकालने के लिए, CSF को यदि हमें चेक करना है कि पेशेंट को मेनिनजाइटिस या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम तो नहीं है, तब किया जाएगा L4 टू L5 में। देखिए एग्ज़ाम में स्पाइनल निडिल आ सकती है आपको, या फिर ये पूछा जा सकता है कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है, तो CSF निकाला जा रहा है, लंबर पंचर है ये। एडल्ट्स में पूछें तो L4 टू L5 के बीच में कॉमन साइट है जो मानी जाती है लंबर पंचर के लिए और स्पाइनल टेप के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट विथ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट। तो यदि कोई COVID-19 से पॉजिटिव है तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट्स कौन सा होगा? इम्यूनाइजेशन, केयर ऑफ यूज्ड यूटेंसल्स एंड आर्टिकल्स, हॉस्पिटलाइजेशन या फिर आइसोलेशन। तो यदि पता चला कि आपको कि आप पॉजिटिव हैं, तो आपकी फर्स्ट आपने क्या किया, ऑलमोस्ट सबको हो चुका है कोविड, किसी ने टेस्ट करवाया है किसी ने नहीं करवाया, तो यदि कोरोना पॉजिटिव हैं आप तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी ये कि आप आइसोलेट हो जाएंगे, खुद के लिए आप आइसोलेट कर लेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो ब्लीडिंग टाइम है जो क्या है, ब्लीडिंग टाइम है सभी में लंबी रहेगी किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में हीमोफीलिया ए, बॉन ब्रांड डिसीज, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या फिर वाइपर वाइट। तो यहाँ पर सभी में ब्लीडिंग टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन किसी एक को छोड़कर तो वो क्या होगा, वाइपर वाइट, जो कि एक स्नैक की कैटेगरी है वाइपर, इसके काटने के कारण ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो वाइपर वाइट है, एक स्नैक है, इसके काटने के कारण प्रॉब्लम होगी, तो इसमें ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा नहीं होगा, प्रोलॉन्ग नहीं होगा, बाकी सब में होगा। हीमोफीलिया ए में, बॉन ब्रांड डिसीज में, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, टॉर्च इंक्लूड्स ऑल ऑफ द इन्फेक्शन एक्सेप्ट। तो टॉर्च में सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, किसी एक को इंक्लूड नहीं है। टॉर्च एक जो इन्फेक्शियस कंडीशन है, कंटेजियस डिसीज है, तो इसमें ग्रुप ऑफ डिसीज आएंगी, क्या क्या होगा इसमें, टॉर्च में 5 इन्फेक्शियस डिसीज होंगी। टॉक्सोप्लाज्मोसिस अदर वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर आपका हेपेटाइटिस बी को, रूबेला, साइटोमेगालो वायरस एंड हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। तो यहाँ पर जो डिसीज इंक्लूड नहीं है इसमें वो क्या होगी, टिटनस, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, रूबेला, हेपेटाइटिस बी एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो क्या है इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन जो नहीं है वो क्या है यहाँ पर, वो है टिटनस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUD इंसर्शन। तो इंट्रायूटराइन डिवाइस इंसर्ट करने के बाद कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग, पेन, पेल्विक इन्फेक्शन या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है IUD इंसर्ट करने के बाद वो होता है ब्लीडिंग। फर्स्ट वन इज द ब्लीडिंग एंड सेकेंड वन इज द पेन। एग्जाम में यदि आपको आता है तो फर्स्ट आपको कहना है ब्लीडिंग, यदि सेकेंडरी पूछते हैं सेकेंडरी साइड इफेक्ट क्या होगा IUD का, तो वो होगा पेन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन नेचुरल गैस कॉजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी नॉन नेचुरल गैस है, मतलब जो नॉर्मली वायुमंडल में नहीं है वो उसको हम बना रहे हैं, हमारे थ्रू बन के वो पूरे में फैल रही है, तो वो कौन सी गैस है, नॉन नेचुरल गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, कौन सी गैस है जो नॉन नेचुरल है। तो जो गैस है नॉन नेचुरल वो है CFC गैस। कौन सी गैस है, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जो कि जनरली जो CFC गैस है कहाँ से निकलती है, जो भी लोग बहुत ज़्यादा ACs यूज़ करते हैं उनमें से भी निकलती है, और ये क्या है, एक नॉन नेचुरल गैस है। कौन सी गैस है, नॉन नेचुरल गैस। नेक्स्ट है यहाँ पर, एप्स्टोसिस इज, तो एप्स्टोसिस क्या है, एयरबॉर्न डिसीज है, ऑक्यूपेशनल डिसीज है, फूड बॉर्न डिसीज है या फिर वाटर बॉर्न डिसीज है। तो ये एप्स्टोसिस क्या है, एक ऑक्यूपेशनल डिसीज है, किसके कारण है, जो किसके कारण होने वाली डिसीज है, ऑक्यूपेशनल डिसीज है, जो एप्स्टोस फाइबर्स डस्ट है उसके कारण लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। लेकिन यहाँ पर एप्स्टोसिस का मतलब लंग्स तो आपके यहाँ पर लंग्स में प्रॉब्लम तो होगी ही, एप्स्टोस डस्ट
जो माइक्रोफाइबर आपके लंग्स में जाके जब जमेंगे, तो यहाँ पर इसके लिए आपको जनरली ये जो डिसीज़ है और आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी आपको, साथ ही साथ जो आपकी टो फिंगर हैं वहाँ पर भी आपको कुछ डिफरेंट साइंस देखने को मिलेंगे। तो एस्टोसिस क्या है? एक ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है, एस्टोस फाइबर इनहेल करने के कारण है होगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, आशा इज रिक्रूटेड अंडर, तो आशा है जो किस स्कीम के तहत रिक्रूट की जाती हैं, ICDS के तहत, NRHM के तहत, NUHM के तहत या फिर ब्लेज हेल्थ गाइड स्कीम के तहत। तो जो आशा वर्कर है इनकी रिक्रूटमेंट किस प्रोग्राम के तहत की जाती है, तो ये की जाती है रिक्रूटेड NRHM के थ्रू। जो NRHM है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च किया गया था। यदि ICDS पूछते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो ये लॉन्च की गई थी 1975 में। इसके ICDS का लोगो कंपोनेंट है, चीज़ें आपको एग्जाम में आती हैं, क्या कौन बेनिफिशियर्स ग्रुप हैं, क्या इसके कंपोनेंट हैं और कौन कौन है जो यहाँ पर इस प्रोग्राम में इंक्लूड रहेंगे। तो यदि पूछें आशा किसके तहत रिक्रूट की जाती हैं, तो NRHM के तहत। नेक्स्ट है यहाँ पर, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ विच एम्फेसाइज दैट हेल्थ इज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इन अ साउंड फैमिली इन अ साउंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है BSc में, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि साउंड माइंड मतलब शांत दिमाग, शांत शरीर में शांत दिमाग रहेगा, साउंड फैमिली होगी, साउंड एनवायरनमेंट होगा, सभी चीज़ें अच्छी होंगी। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल या फिर होलिस्टिक कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं होलिस्टिक कॉन्सेप्ट की, चारों कॉन्सेप्ट देखिए आप लोग हेल्थ के, इकोलॉजिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल। तो होलिस्टिक यदि कहते हैं तो साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इन अ साउंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकल कहते हैं तो मैन एंड एनवायरनमेंट के बीच का कनेक्शन बताया जाएगा। हेल्थ इज अ हार्मोनियस इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट। इको का मतलब होगा यहाँ पर एनवायरनमेंट रिलेट करेगा, तो इकोलॉजिकल में मैन और एनवायरनमेंट के बीच में, ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट के बीच में जो प्रॉपर कनेक्शन है, इक्वेशन है, वो प्रेजेंट की जाएगी। फिजिकल में आपकी बॉडी आ जाएगी, हेल्थ एज द फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी, तो जो हमने हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी है तो वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी। साइकोलॉजिकल में आपकी मेंटल इलनेस, आप क्या है, मेंटल इलनेस से टेंशन फ्री हैं, दिमाग टेंशन सबको होती है लेकिन इलनेस की बात हो रही है यहाँ पर, मेंटली आप क्या हैं, फिट हैं, तो आएगा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में। हेल्थ हैज़ अ एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो प्राइमरी हेल्थ केयर 1978 में अल्मार्टा डिक्लेरेशन के तहत इसको लाया गया था। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के सभी प्रिंसिपल हैं किसी एक को छोड़कर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कवरेज एंड एसेसिबिलिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या फिर अप्रोप्रिएट एंड कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सब हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के किसी एक को छोड़कर, तो वो अप्रोप्रिएट एंड कंटिन्यूटी। अब प्रिंसिपल कौन कौन से हैं इसके, तो टोटल एलिमेंट्स 8 हैं, प्रिंसिपल यहाँ पर टोटल 5 हैं। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, 8 हैं टोटल, आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो 8 प्रिंसिपल में कौन कौन से हैं, एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिसीज, ट्रीटमेंट एंड ड्रग्स अवेलेबिलिटी। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स हैं। अल्मार्टा डिक्लेरेशन के तहत इसको लाया गया था 1978 में, कब लाया गया था 1978 में। फिर यहाँ पर हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 में इसको एक्सेप्ट किया गया था। तो यहाँ पर आपको एलिमेंट्स प्राइमरी हेल्थ केयर के, प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स दोनों अलग अलग हैं, तो एलिमेंट्स और कंपोनेंट जिसको हम कहेंगे, प्रिंसिपल लॉन्च कब हुआ और डेफिनेशन है, आपको हमेशा एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पर ये रहे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरकोस्टल कोऑर्डिनेशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन द इंटरनेटल टाइम पीरियड ऑल आर इंक्लूड इन द 5 CS ऑफ एक्सेप्ट। तो इंटरनेटल टाइम ऑफ पीरियड में 5 C यूज़ किए जाते हैं, क्लीन, 5 C's मतलब होता है क्लीन। तो यहाँ पर किसी एक को छोड़कर, मैंने भी बताया था कि बच्चों में जो टिटनेस है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, बच्चों में टिटनेस को प्रिवेंट करने के लिए 5 C's अपनाए जाते हैं लेबर टाइम पर, लेबर रूम में WHO के अकॉर्डिंग वो सभी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्लीन कॉर्ड स्टम, क्लीन द सरफेस, क्लीन हैंडल या फिर क्लीन द हॉस्पिटल।
तो जो इंक्लूडेड नहीं वो क्लीन द हॉस्पिटल, 5 C's होते हैं कॉर्ड कटिंग के लिए और इंटरनेटल केयर के लिए, क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड, क्लीन कॉर्ड टाई, क्लीन कॉर्ड स्टम्प। तो क्या हो जाएंगे, 5 C's हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं है यहाँ पर वो क्या है, क्लीन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV इज नोन एज। तो ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आपने इन्फेक्शन के लिए क्या किया है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट एंटर हो गया है, आपका टेस्ट करवाया गया तो एंटीबॉडी डिटेक्ट हो गई कि आप HIV पॉजिटिव हैं, तो ये टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, ये एक्यूट इन्फेक्शन, एक्टिव HIV, क्रॉनिक इन्फेक्शन या फिर विंडो पीरियड। तो ऐसा टाइम पीरियड आपकी बॉडी में इन्फेक्शन एंटर है, आपकी बॉडी का जब आपका टेस्ट करवाया गया तो आप क्या निकलते हैं, पॉजिटिव निकल आते हैं उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विंडो पीरियड। क्या कहलाएगा, विंडो पीरियड, और ये किसका है, HIV का। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट इज नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर। तो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट में कितने इन्फेंट्स की डेथ होगी, 1000 टोटल बर्थ पर, 1000 लाइव बर्थ पर, 1000 प्रेगनेंसी पर, 1000 डेथ ऑफ बेबी इन 2 ईयर। तो यहाँ पर 1 ईयर में काउंट किया जाएगा लाइव बर्थ पर। तो यहाँ पर ये देखिए, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ टू चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन द सेम ईयर। तो यहाँ पर 1 साल से कम एज, मतलब कि 1 ईयर से कम एज के बच्चों की, अंडर 1 ईयर ऑफ एज के बच्चों की पर 1000 लाइव बर्थ पर 1 साल में डेथ होना क्या कहलाएगा, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट। इसका इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट है जो हर एक स्टेट की अलग अलग होती है, जो कि एग्ज़ाम में आती है, सबसे ज़्यादा किसकी है, मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इंक्रीज्ड सुसाइडल टेंडेंसी इज एसोसिएटेड विथ। तो सबसे ज़्यादा जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है किसके कारण होगी, लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन के कारण, हाई लेवल ऑफ सीरोटोनिन के कारण, लो लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन या फिर हाई लेवल ऑफ डोपामिन। तो सुसाइडल टेंडेंसी होती है जनरली डिप्रेशन के क्लाइंट में, जो लोग क्या होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैनिया के पेशेंट ने सुसाइड किया, हाँ उससे धोखे से वो कहीं से एक्सीडेंटल भले गिर जाए लेकिन वो सुसाइड कभी नहीं करेंगे, लेकिन जो डिप्रेशन के क्लाइंट होते हैं इनमें सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा होती है। वो डिप्रेशन का रीज़न क्या होता है, सीरोटोनिन का लेवल कम होना। तो वही यहाँ पर भी होगा कि इंक्रीज सुसाइडल टेंडेंसी ड्यू टू लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन, सीरोटोनिन का लेवल आपके ब्रेन में यदि कम हो रहा है। सीरोटोनिन क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो कि क्या करेगा, यदि इसका लेवल कम होता है केमिकल का सीरोटोनिन का, तो आपको क्या होगा, डिप्रेशन, डिप्रेशन होता है तो सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइड करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सोर। तो प्रेशर सोर डेक्यूबिटस अल्सर के लिए प्रिवेंट करने के लिए एज अ नर्स आप सबसे अच्छा काम क्या करेंगे, प्रोवाइड फ्रिक्वेंट बाथ टू पेशेंट, मेंटेनिंग अ पेशेंट टू मॉइस्ट स्किन टू मॉइस्ट, फ्रिक्वेंट टर्निंग एंड रीअप्रोप्रिएटिंग ऑफ द पेशेंट, फ्रिक्वेंट स्मॉल फीडिंग। तो आपके लिए यदि कोई क्लाइंट है जिसको डेक्यूबिटस अल्सर या फिर प्रेशर सोर डेवलप हो रहा है, तो आप सबसे बेस्ट तरीका क्या अपनाएंगे उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर सोर को प्रिवेंट करने के लिए जो इन वो होता किनको है, लॉन्ग टर्म बेड रिडन पेशेंट होते हैं तो उनके लिए होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें क्या करना है, जिस चीज़ से हो रहा है उसको चेंज करना है, जो लोग लॉन्ग टाइम तक लेटे हैं उन्हीं को होगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, बार बार पोजीशन को चेंज करते रहना है जिससे ब्लड सप्लाई है जो वहाँ पर भी होती रहे। प्रेशर सोर में क्या होगा, ब्लड सप्लाई होना स्टॉप हो जाती है, इस्कीमिया होगा इसके कारण। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि उस चीज़ को ही प्रिवेंट करना है जिससे ना हो पाए। यदि आपने देखा होगा कि जो लोग लॉन्ग टाइम तक लेटे रहेंगे उनको होगा, ना कि जो लोग घूमते फिरते हैं उनको प्रेशर सोर कभी नहीं होगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, पोजीशन को बार बार चेंज करते रहना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग अ नोज ब्लीड, हाउ विल यू कंट्रोल इट। नोज़ ब्लीड और एपिस्टैक्सिस, यदि किसी बच्चे की नाक से खून बह रहा है, नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, जिसको हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। ऑप्शन है यहाँ पर, मेक द चाइल्ड सिट डाउन, लीन फॉरवर्ड एंड पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज, मेक द चाइल्ड लाई डाउन एंड पिंच द टॉप ऑफ द नोज,
Make the child sit down, lean backward and pinch the soft of nose. Make the child lie down and pinch the soft part of the nose. तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, यदि बच्चे की नाक से ब्लड आ रहा है तो ऐसे केस में आपको बच्चे को कहना है कि आप रिलैक्स होकर बैठो एंड लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुको और आपको जो सॉफ्ट पार्ट है नाक का उसको पिंच करके रखना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इससे नोज ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ प्रीमिंग ग्रेविडा मदर डिलीवर्ड अ मेल बेबी, द न्यू बॉर्न हैज विजिबल सीक्रेशन आफ्टर द बर्थ, अ नर्स हैड टू सक्शन द न्यू बॉर्न एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इजी क्वेश्चन है, प्रीमी ग्रेविडा मदर हो या मल्टी ग्रेविडा हो, बेबी डिलीवर हुआ है, सीक्रेशन विजुअलाइज हो रहा है आपको, तो आप सबसे पहले सक्शनिंग कहाँ से करेंगे, नोज फर्स्ट फॉलोड बाय माउथ, माउथ फर्स्ट फॉलोड बाय नोज, या फिर माउथ ओनली या फिर नोज ओनली। तो ऐसे केस में आप सक्शनिंग कहाँ से करेंगे, तो ऐसे केस में आप सक्शनिंग करेंगे सबसे पहले कहाँ से, माउथ से, देन आफ्टर नोज से। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सीक्रेशन हो रहा है बेबी क्या कर लेगा, बेबी एस्पिरेट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे केस में आपको सक्शनिंग कहाँ से करनी है, पहले माउथ से, देन आफ्टर नोज से। अनकॉन्सियस क्लाइंट में भी आपको यही करना है कि पहले यदि सक्शनिंग का कहते हैं, सक्शनिंग आपको पहले माउथ से करनी है, देन आफ्टर नोज से। किसी में भी यदि आपको इस तरीके से पूछें, बेबी में पूछें, तो माउथ फर्स्ट देन आफ्टर द नोज, क्यों, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना है इसलिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, टू परफॉर्म नैरोफेरेंजियल एयरवे सेक्शनिंग फॉर अ कॉन्शियस पेशेंट विथ अ फंक्शनल गैज, द नर्स शुड प्लेस द पेशेंट हेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन। यदि आपको किसी कॉन्शियस पेशेंट में नैरोफेरेंजियल एयरवे सेक्शनिंग करनी है, तो यहाँ पर आप पेशेंट के हेड को किस पोजिशन में रखेंगे, चिन फ्लेक्स टू चेस्ट, फेस टूवर्ड्स राइट शोल्डर, फेस टूवर्ड लेफ्ट शोल्डर, या फिर नेक हाइपर एक्सटेंडेड। तो यदि आपको नैरोफेरेंजियल सेक्शनिंग करनी है, एयरवे सेक्शनिंग करनी है, कॉन्शियस है पेशेंट, तब आप क्या करेंगे, नेक को हाइपर एक्सटेंडेड वे में रखना है, जिससे आप सेक्शनिंग को प्रॉपर कर सकें, क्योंकि गैज यहाँ पर क्या है, गॉज रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, इसीलिए हमें पेशेंट को क्या करना है, नेक को हाइपर एक्सटेंडेड रखना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, वाइल एडमिनिस्ट्रिंग एनीमा पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन, तो यदि आप किसी पेशेंट को एनीमा दे रहे हैं तो पेशेंट को किस पोजीशन में रखेंगे, सिम्स, सुपाइन, मिड फॉलोअर्स, या फिर नीचेस्ट पोजीशन में। तो यदि किसी पेशेंट को आप एनीमा दे रहे हैं तो आप उसको कौन सी पोजीशन में रखेंगे, सिम्स पोजीशन में, देखिए यहाँ पर, जिसको हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी कह सकते हैं, और सिम्स पोजीशन, जिससे हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, एनीमा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, Identify this instrument, तो यहाँ पर एक इमेज दिख रही है आपको, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, आर्टरी फोर्सेस, एलाइस फोर्सेस, ग्रीन आर्मिटेज, या फिर बेबॉक्स फोर्सेप्स। एग्जाम में आपको नॉर्सेट में एटलीस्ट 20% क्वेश्चन इमेज बेस्ड आते हैं, तो यहाँ पर ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये है यहाँ पर ग्रीन आर्मिटेज। क्या है, ग्रीन आर्मिटेज, यहाँ पर ये देखिए हुक, यहाँ पर आपको कुछ डिजाइन देखने को मिल रही है, इसीलिए इनको आर्मिटेज कहा गया है। तो क्या है, ग्रीन आर्मिटेज, वो इसका यूज़ क्या होता है, सर्जेरियन सेक्शन में हिस्टरेक्टोमी को क्लोज करने के पहले जो यूट्राइन एज है उसको होल्ड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अदर हैं जो यहाँ पर एलाइस फोर्सेप्स, एरेस के स्मॉल हुक हैं, बेबॉक्स फोर्सेप्स में देखिए यहाँ पर कर्व सेप हुक देखने को मिल रहे हैं, आर्टरी फोर्सेप्स सिंपली रहेगा। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर एक जो प्रोसीजर चल रहा है, कौन सा प्रोसीजर इस मशीन के थ्रू हो रहा है, डायलिसिस मशीन है, मैकेनिकल वेंटिलेटर है, पोर्टेबल वेंटिलेटर, या फिर इन्फेंट इंक्यूबेटर है। तो यहाँ पर जो इमेज दिख रही है, ये क्या है, ये है मैकेनिकल वेंटिलेटर। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप गायनेक से भी मान सकते हो, सीएचओ से भी मान सकते हैं, आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन है यहाँ पर, हुनर्स टेस्ट इज यूज फॉर, तो जो हुनर्स टेस्ट है किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन में है यहाँ पर, टू असेस द रेस्पिरेटरी मैच्योरिटी ऑफ अ न्यू बॉर्न, सेकेंड ऑप्शन है टू असेस द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑफ न्यू बॉर्न, थर्ड वन इज टू चेक द एबीयू इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन बिटवीन मदर एंड न्यू बॉर्न, लास्ट है यहाँ पर टू डिटरमाइन द नंबर मोर्टिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर जो रेशियो और या फिर जो होनर टेस्ट है किसके लिए किया जाएगा, तो एबीयू इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन यदि बच्चे में चेक करना है कि
जो यहाँ पर है तो ऑनर टेस्ट इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो डाउट होता है इस क्वेश्चन को लेकर स्पेशली, तो जो ऑनर टेस्ट है किसके लिए किया जाता है, स्पर्म की मोर्टिलिटी एक्टिविटी और नंबर को चेक करने के लिए, जिसको हम पोस्ट क्वाइटल टेस्ट, पोस्ट क्वाइटल टेस्ट नाम सबने सुना है, लेकिन हुनर टेस्ट में आपको कन्फ्यूजन होती है। तो सिम्स हुनर थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा था टेस्ट का, हुनर्स टेस्ट। लेकिन आपको इसका दूसरा नाम याद रखना जो आपको इजीली याद रहेगा, वो पोस्ट क्वाइटल टेस्ट, जो कि इसमें इवैल्यूएशन किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि स्पर्म की मोर्टिलिटी कितने एक्टिव हैं, कितने नंबर हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टेस्ट कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ HIV पॉजिटिव मदर वॉन्ट्स टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी, वॉट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम द नर्स। तो यदि कोई मदर क्या है HIV पॉजिटिव है, वो अपने बेबी को, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहती है, एज अ नर्स, एज अ CHO और एज ए MLHP ANM, आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे पेशेंट को, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आपका क्या होगा। ऑप्शन में है यहाँ पर, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग टू फैसिलिटेट द बॉन्डिंग, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज इट्स हेल्दियर फॉर बेबी, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग सो दैट सी कैन गेट रेस्ट एंड गेट हेल्दी, डिस्करेज द मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो यदि मदर HIV पॉजिटिव है, वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है, तो आप क्या रिस्पॉन्स देंगे। तो यदि यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या होता कि मदर के लिए आप इनकरेज करें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, लेकिन साथ में मदर को निवेरापाइन मेडिसिन दी जाएगी, तब आप इनकरेज कर सकते हैं, बच्चा हेल्दी होगा, माँ भी ठीक रहेगी। लेकिन जब मदर HIV पॉजिटिव है, यहाँ पर ये कंडीशन नहीं रखी है कि निवेरापाइन दी जा रही है, तब हम क्या करेंगे, माँ को डिस्करेज करेंगे कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना करवाएं, क्योंकि बच्चे को भी HIV ब्रेस्ट फीडिंग से ट्रांसमिट हो। क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ HIV पॉजिटिव मदर वॉन्ट्स टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी, वॉट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम अ नर्स और MLHP और CHO। यदि कोई माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है, तो एज अ नर्स आप क्या रिस्पॉन्स देंगे पेशेंट के लिए, माँ के लिए क्या चीज़ समझाएंगे कि आप अपने बच्चे को क्या करें, ब्रेस्ट फीड करवाएं कि नहीं करवाएं। तो ऑप्शन में है यहाँ पर, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग टू फैसिलिटेट द बॉन्डिंग, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज इट्स हेल्दियर फॉर बेबी, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग सो दैट सी कैन गेट रेस्ट एंड गेट वेल हेल्दी, लास्ट वन इज डिस्करेज द मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो यदि आपके पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें मदर HIV पॉजिटिव और अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है, तो एज अ नर्स, एज अ CHO, MLHP और एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आप क्या कहेंगे माँ को, कहेंगे कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना करवाएं, क्योंकि ब्रेस्ट फीड से ही आपके बच्चे को HIV हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, डिस्करेज करना है। लेकिन यदि यहाँ पर यही चीज़ होती कि मदर HIV पॉजिटिव है, ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है, लेकिन साथ में निवेरापाइन उसको दी जा रही है, तो वो ब्रेस्ट फीड करवा सकती थी, तब वो सेफ होता बच्चे के लिए। लेकिन यदि ये कंडीशन नहीं है निवेरापाइन मेडिसिन की, तब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती, क्योंकि ये बच्चे को भी है जो HIV हो सकता है। अब दो मेडिसिन के नाम है जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि यदि ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए कहते हैं कि बच्चे को HIV ट्रांसमिशन हम कैसे रोक सकते हैं, तो हम क्या देंगे, निवेरापाइन एज एन प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर देंगे। मदर यदि HIV पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, मदर टू चाइल्ड में जो ट्रांसमिशन हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, तो हम जो बच्चे की जब 6 मंथ तक जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत होती है, तब हम क्या करेंगे, माँ को निवेरापाइन देंगे, जिससे बच्चे को हम प्रिवेंट कर सकते हैं चाहिए से। लेकिन यदि हमें डिलीवरी के टाइम पर या फिर जब बच्चा क्या हो, डिलीवरी के टाइम पर या फिर इंट्रापार्टम पीरियड में हो, तो हमें क्या करना है, जिडोविडिन देना है मदर को। किसको, जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसको, हमें HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वूमेन को क्या देना है, जिडोविडिन देना है मेडिसिन, जिससे जो होने वाला बच्चा है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे, HIV इन्फेक्शन से। तो यदि ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बात आती है आपको, कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर दैट मीन्स डिलीवरी हो चुकी है, वहाँ बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, तो निवेरापाइन दे के बच्चे को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन बच्चा यदि यूट्रस में ही है और माँ HIV पॉजिटिव निकलती है, तो हमें उस बच्चे को यदि HIV इन्फेक्शन से बचाना है, तब हम क्या देंगे, जिडोविडिन। नेक्स्ट वन इज, वन ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर इज, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर क्या होगा,
ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन दैट मीन्स HPV इन्फेक्शन, नली पेराइटी दैट मीन्स वो लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरीज, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरीज में बहुत सारी आएंगी, मेनोरेजिया आ जाएगा, डिसमेनोरी आएगा, मेट्रोरेजिया आ जाएगा, एमनोरी आ जाएगा, एडवांस्ड एज ऑफ मैरिज, तो यहाँ पर क्या होगा जो कि सर्वाइकल कैंसर होने का सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होगा। तो सर्वाइकल कैंसर किसके थ्रू होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, क्या है? HPV इन्फेक्शन। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस प्रिवेंट करने के लिए क्या दी जाती है? HPV वैक्सीन। तो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे कॉज एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है HPV इन्फेक्शन, या फिर बहुत कम एज में शादी होना और सेक्स करना, तो क्या है, हाई रिस्क फैक्टर रहेंगे सर्वाइकल कैंसर के लिए। और जो टेस्ट किया जाता है डायग्नोस करने के लिए वो क्या होता है? पैपस्मियर। पैपस्मियर का जो स्पेसिमेन है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है? अरे स्पैटुला से। नेक्स्ट वन इज व्हेन परफॉर्मिंग अ पेल्विक एग्जामिनेशन द नर्स ऑब्जर्व्स अ रेड स्वालोइन एरिया ऑन द राइट साइड ऑफ द वेजाइनल ऑर्फिस, द नर्स वुड डॉक्यूमेंट दिस एज एनलार्जमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यदि कोई नर्स जब पेल्विक एग्जामिनेशन करती है तो उसको वेजाइनल ऑर्फिस के राइट साइड में एक स्वालोइन फूला हुआ जो एरिया है, पालपेट होगा, फील होगा, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट करेगी कि एनलार्जमेंट क्या है? स्किनीज ग्लैंड है, बर्थोलिन्स ग्लैंड है, क्लाइटोरिस है, या फिर पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है? तो क्या है जो यहाँ पर नर्स एक ऑब्जर्व करती है, तो क्या है जो कि एक स्वालोइन एरिया उसको चेक किया उसने वेजाइनल ऑर्फिस के राइट साइड में, तो ये क्या है? ये है यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड, क्या है, जो कि वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइडे प्रेजेंट रहेगी। ये देखिए, ये रही बर्थोलिन ग्लैंड। और सिस्ट कब होगी? तो यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड क्या करती है? वेजाइना को लुब्रिकेट करेगी। तो यहाँ पर आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि रेड स्वालोइन जो एरिया यहाँ पर दिख रहा है तो ये क्या है? बर्थोलिन ग्लैंड है। एग्जाम में आता है कि बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर होती है, तो वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड, एक एक साइड जो है जो ग्लैंड रहेगी। अब यदि यहाँ पर जो बर्थोलिन ग्लैंड है इसका काम क्या है? एक फ्लूड सीक्रेट करेगी, क्या करेगी? एक फ्लूड रिलीज करेगी, सीक्रेट करेगी, जो कि वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम करेगा। लेकिन जब यही फ्लूड जो बर्थोलिन ग्लैंड फ्लूड को क्या कर रही है? सीक्रेट कर रही है। तो जो बर्थोलिन ग्लैंड के यहाँ पर एक डक्ट होगी, क्या होगी? ये डक्ट है, एक ग्लैंड हो गई है, डक्ट जो छोटी छोटी दिख रही है, क्या करेंगी? फ्लूड को रिलीज करेंगी वेजाइना में। लेकिन जब इनमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ये क्या करेंगी? फ्लूड क्या होगा? बैक होगा, जो कि वापस बर्थोलिन ग्लैंड में आएगा। तो जब ये ग्लैंड में आएगा तो एक किसका फॉर्मेशन करेगा? सिस्ट का। एग्जाम में आपको आता है कि बर्थोलिन सिस्ट क्या है, तो जो बर्थोलिन ग्लैंड जो फ्लूड को सीक्रेट करती हैं, यदि वही बर्थोलिन डक्ट के यहाँ पर जो रिलीज करेगी वेजाइना में डक्ट इस फ्लूड को, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो जो फ्लूड क्या होगा? बैक ऑफ होगा, जो कि वापस से बर्थोलिन ग्लैंड में जाएगा और वहाँ पर सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब आता है यहाँ पर स्कैनी और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। तो स्कैनी ग्लैंड और पैरा यूरेथ्रल ये सेम नाम है, जो कि फीमेल यूरेथ्रा के यहाँ पर क्या करती हैं? सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर जो यूरेथ्रल ऑर्फिस है यहाँ पर क्या रहेंगी? ग्लैंड रहेंगी, जिसको पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर स्किनीज ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करेंगी? फीमेल यूरेथ्रा के यहाँ पर ये क्या करेंगी? म्यूकस का डिस्चार्ज करेंगी सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर। तो यहाँ पर इनका काम क्या है? म्यूकस रिलीज करना। ये किसके होमोलोगस होंगी? प्रोस्टेट ग्लैंड के। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? मेल में पाई जाती है, जो कि कॉपर्स ग्लैंड है एक तरीके से। कॉपर्स ग्लैंड कहाँ पर रहेगी? प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फीरियर पार्ट में। तो जो काम यहाँ पर पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड करती हैं, वही काम कॉपर्स ग्लैंड करेंगी, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में प्रेजेंट, ऊपर इन्फीरियर साइड में प्रेजेंट रहेंगी। तो यदि होमोलोगस पूछे स्किनी ग्लैंड और पैरा यूरेथ्रल का, तो क्या है? कॉपर्स ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज इंक्रीज रिस्क फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जेस्टेशनल डायबिटीज से सभी कुछ होने के खतरे हैं, रिस्क हैं किसी एक को छोड़कर। तो जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब क्या है? प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज की कंडीशन, तो उसमें सब चीज़ें होंगी किसी एक को छोड़कर। कंजेनाइटल एनोमलीज, स्मॉल फॉर डेड बेबीज, सॉरी स्मॉल फॉर डेड फीटस, मैक्रोसोमिया, प्रीमेच्योरिटी एंड स्टिलबर्थ। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की कंडीशन है, कंजेनाइटल एनोमली होगा,
मैक्रोसोमिया दैट मीन्स लार्ज साइज बेबी होगा, प्रीमेच्योर और स्टिल बर्थ भी हो सकता है। प्रीमेच्योरिटी का मतलब बिफोर 37 वीक के पहले डिलीवर हो सकता है, स्टिल बर्थ का मतलब है कि यूट्रस में ही फीटस डेथ हो सकता है, लेकिन बेबी स्मॉल फॉर डेट कभी भी नहीं होगा। यदि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, कंजेनाइटल एनोमलीज होगा, मैक्रोसोमिया मोस्ट कॉमन होता है मदर में, बच्चे इवन 4 kg से भी ज़्यादा वेट के तक हो जाते हैं डिलीवर, और प्रीमेच्योर होने के चांसेस भी रहेंगे, स्टिल बर्थ भी होगा लेकिन स्मॉल फॉर डेट फीटस है जो कभी भी नहीं होगा। स्मॉल फॉर डेट फीटस का मतलब है यहाँ पर 37 वीक कंप्लीट हो गए हैं जो ईडीडी दी है, लेकिन उस टाइम पर भी बच्चा छोटा सा डिलीवर हो तो ये क्या होगा, स्मॉल फॉर डेट फीटस जेस्टेशनल डायबिटीज़ में कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज द नर्स इज असाइंड टू अ पेशेंट हु हैज़ अ बैक्टीरियल निमोनिया एंड इज अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल ही और सी वियर टू डिलीवर द मील ट्रे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर एक नर्स यदि बैक्टीरियल निमोनिया के पेशेंट के लिए उसको असाइन किया गया है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में रखा गया है पेशेंट को, क्योंकि निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है, तो यहाँ पर कौन सा पीपी यूज़ करेगी जब वो नर्स पेशेंट का मील ट्रे खाने की ट्रे देने को जाएगी तब। ऑप्शन है स्पेशल फिल्ट्रेशन मास्क एंड ग्लव्स, ओनली मास्क इज नीडेड, गाउन मास्क ग्लव्स सू कवर्स, नो पीपी रिक्वायर्ड। तो ऐसे केस में यदि पेशेंट को बैक्टीरियल निमोनिया है, आप कौन सा पीपी यहाँ पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उसकी मील ट्रे उसके पास तक पहुँचाने में। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन कैसे होगा, जब आप जो आपके ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कैसे एंटर करेंगे, मुंह से या फिर नाक से, मुंह से या फिर नाक से एंटर करेंगे, तो इसके लिए जो मेन आपके पास पीपी इक्विपमेंट होना चाहिए वो क्या है, मास्क। तो यहाँ पर आप किसके साथ जाएंगे, ओनली मास्क इज नीडेड। यदि मार्स का पेशेंट होता तब हम क्या करते, पूरा पीपी यहाँ पर यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरियल निमोनिया का और ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में है, क्या यूज़ करेंगे, मास्क। नेक्स्ट वन इज कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज, तो कोलैप्सिंग पल्स का मतलब क्या है, बाउंडिंग पल्स, वाटर हैमर पल्स, पल्स अल्टरनेशन या फिर बाइजेमिनल पल्स। तो यहाँ पर क्या मतलब होगा किसका, कोलैप्सिंग पल्स का मतलब होगा वाटर हैमर पल्स, क्या होगा, वाटर हैमर पल्स। बाउंडिंग पल्स का मतलब होगा कि जब फोर्सफुल हार्ट बीट, क्या है, फोर्सफुल हार्ट बीट के कारण जो आपको आर्टरीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पल्स फील होगी वो क्या कहलाएगी, यहाँ पर बाउंडिंग पल्स। और पल्स अल्ट्रेशन में अलग अलग आ सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया आ सकता है या फिर टैकीकार्डिया आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बाइजेमिनल पल्स, तो बाइजेमिनल पल्स का मतलब होगा कि जब दो बीट एक साथ सुन देंगी लेकिन इनमें जो कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, अ पल्स कैरेक्टराइज्ड बाय टू बीट्स क्लोज टुगेदर विथ अ पॉज फॉलोइंग ईच पेयर ऑफ बीट। तो यहाँ पर दो बीट क्या होंगी, बहुत फास्ट है, फास्ट फास्ट है जो फील होंगी, सुनाई देंगी। कोलैप्सिंग क्या है, वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट वन इज इन अ हेल्दी पर्सन स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट, तो एक हेल्दी पर्सन में स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, एग्जाम में इसका फॉर्मूला आपसे आता है या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली कितना होता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, 50 ml, 100 ml, 70 ml या फिर 170 ml। तो यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होगा द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच सिस्टोलिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। तो एक हेल्दी पर्सन का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml। यहाँ पर यदि फार्मूला पूछा जाता है आपसे तो क्या होगा फार्मूला स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ पर वो है वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट। क्या है, जो ब्लड इजेक्ट होगा हर एक वेंट्रिकल से पर बीट में वो क्या कहलाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट यदि आपको आता है तो क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। कार्डियक इंडेक्स यदि यहाँ पर आपको क्या आता है, पूछते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम का, तो क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो यहां पर आपको या तो एग्जाम में सिस्टोलिक बीपी बता देंगे या फिर डायस्टोलिक बीपी बता देंगे और एसबी कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे, बहुत ईजी है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट वन इज
इन चिल्ड्रन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, तो बच्चों में ड्रग डोज कैलकुलेट कैसे किया जाता है? ऑप्शन में यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग या फिर लेंथ के अकॉर्डिंग। तो चाइल्ड में जो ड्रग डोज कैलकुलेट किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है, तो जनरली बहुत सारे फॉर्मूला यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इस तरीके से आपके पास यदि क्वेश्चन आता है तो कैसे आप बच्चे का डोज है जो कैलकुलेट करेंगे, तो यदि बच्चे का डोज कैलकुलेट करने की बात आ रही है, फॉर्मूला आपके सामने नहीं है, ओनली एज, वेट, हाइट, लेंथ बताएं, तब आप किससे करेंगे, वेट से। कैसे करेंगे? वेट से। और यदि आपको बच्चे का डोज कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो सबसे जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर्मूला वो है क्लार्क रूल, क्योंकि इसमें बच्चे का वेट ही यूज़ किया जाता है। और यदि इन्फेंट में पूछते हैं अंडर वन ईयर एज में, तब फ्राइड्स रूल यूज़ करेंगे। वेट के अकॉर्डिंग पूछते हैं तो क्लार्क, जो कि कॉमनली यूज़ होता है। और यदि यहाँ पर बच्चे की एज 1 साल से लेकर 12 साल तक है तो यंग्स रूल। लेकिन मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन ऐसा आता है तो वेट कहना है आपको। यदि इन्फेंट के लिए कहते हैं तो फ्राइड्स रूल यूज़ किया जाएगा, क्लार्क रूल, और सबसे ज़्यादा कॉमनली हर एक हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ड्रग दैट कॉज एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो कौन सी ड्रग है जो कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस को एक्सपल्सन करने के लिए, बाहर निकालने के लिए यूज़ की जाएगी? एस्ट्रिंजेंट, कार्मिनेटिव, कैथार्टिक्स या फिर एमिटिक्स। तो जो ड्रग यहाँ पर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस को बाहर निकालने के लिए यूज़ की जाएगी वो क्या कहलाती है? कार्मिनेटिव एजेंट्स। क्या कहलाते हैं? कार्मिनेटिव एजेंट्स। नेक्स्ट वन इज टर्म मेलेना मीन्स। तो मेलेना का मतलब क्या है? डार्क कलर्ड स्टूल कंटेनिंग द ब्लड, पस इन द यूरिन, पेनफुल मिक्चुरेशन या फिर सुगर इन द यूरिन। तो क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा मेलेना के लिए? तो मेलेना के लिए जो टर्म यूज़ होगा वो क्या कहलाएगा? डार्क कलर्ड स्टूल। क्यों है? क्योंकि इसमें ब्लड है जो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? डार्क कलर्ड स्टूल कंटेनिंग द ब्लड। तो ये यहाँ पर ब्लड या तो आपके इंटरनल ब्लीडिंग के कारण भी हो सकता है, तो यहाँ पर मेलेना यदि एग्जाम में आपको आता है तो डार्क कलर स्टूल कंटेनिंग द ब्लड। नेक्स्ट वन इज द एनिमा गिवन टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन। तो कौन सा एनिमा है जो गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए यूज किया जाता है? कोल्ड, एंटी हेलमेंथिक, कार्मिनेटिव या फिर परगेटिव। कौन सा एनिमा यहाँ पर यूज किया जाएगा? तो जो एनिमा यहाँ पर यूज़ होगा वो कौन सा एनिमा होगा? तो गैसियस डिस्टेंस को ट्रीट करने के लिए क्या हम करेंगे? कार्मिनेटिव एनिमा। जब जो अभी हमने क्वेश्चन देखा कि यदि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैस बन रही है तो कौन सी मेडिसिन देंगे? कार्मिनेटिव एजेंट। अब यहाँ पर गैसियस डिस्टेंसन के लिए यदि एनिमा पूछते हैं तो क्या होगा? कार्मिनेटिव एनिमा। यदि कॉन्स्टिपेशन है, क्या है? यदि कॉन्स्टिपेशन है तब हम क्या देंगे? परगेटिव एनिमा। यदि हेलमेंथिक इन्फेक्शन है तब हम क्या देंगे? एंटी हेलमेंथिक एनिमा। नेक्स्ट वन इज और यदि साइट यदि पोजीशन पूछे पेशेंट को कौन सी पोजीशन में लिटाएंगे एनिमा देने के टाइम पर, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट यहाँ पर इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज। तो आई थिंक आपको ये लास्ट क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा कि यदि गैसियस डिस्टेंशन है या फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हमें गैस को रिलीव करना है, तो यदि गैसियस डिस्टेंशन में एनिमा पूछते हैं तो कार्मिनेटिव देंगे हम, और यदि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस रिलीज करना है तो मेडिसिन पूछते हैं तो कहेंगे कार्मिनेटिव मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज। तो इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन के लिए क्या कहेंगे? दैट मीन्स जिस पर कंट्रोल ना हो। वॉलेंट्री का मतलब क्या होगा? आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन के लिए क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन में एन्यूरेसिस, एलिमिनेशन, मिक्चुरेशन या फिर डिफिकेशन। तो क्या टर्म है जो इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन के लिए यूज़ किया जाएगा? तो वो होगा यहाँ पर एन्यूरेसिस। क्या होगा? एन्यूरेसिस। मिक्चुरेशन का मतलब होगा बार बार यूरिन पास आउट करना, लेकिन इनवॉलेंट्री में क्या होगा कि आप यूरिन पास करना चाहते हैं लेकिन आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या हो गया? इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन। नेक्स्ट वन इज अ टीचिंग मेथड विच